गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एलाइड एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल में मैं, मैं रवि कांत सिन्हा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हम नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति का तीसरा पार्ट आज हम करने जा रहे हैं जिसमें हम प्राइम नंबर्स के और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे परफेक्ट नंबर क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है उसके बारे में आज जानेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का फायदा हो सके तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइम नंबर्स प्रॉपर्टी जैसा हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था वन वन एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है कंपोजिट नंबर भी नहीं है वन इज़ नॉट प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर टू टू इज़ ऑनली इवन प्राइम नंबर टू जो है एक इकलौता जो है इवन प्राइम नंबर है और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है तीसरी प्रॉपर्टी है ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे क्या है ऑड नंबर्स हैं फिर है ऑल प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं ठीक है प्राइम नंबर्स आर इन्फेनाइट और जाहिर सी बात है प्राइम नंबर्स की बात हो रही है तो वहाँ पर नेगेटिव का कोई सवाल ही नहीं होता ठीक है प्राइम नंबर्स नेगेटिव में होते ही नहीं है ठीक है प्राइम नंबर्स आर इन्फेनाइट डेफिनेटली प्राइम नंबर्स इन्फिनेटी तक हैं ठीक है और प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड विदाउट अ रिमाइंडर ओनली बाई इट्सैल्फ और वन प्राइम नंबर किससे डिवाइड होते हैं आप जानते हैं मैंने हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे है ना थ्री फाइव सेवन ये किससे डिवाइड होते हैं ये स्वयं से डिवाइड होते हैं या वन से डिवाइड होते हैं और किसी से और ये कटते नहीं है ठीक है तो प्राइम नंबर्स जिसमें रिमाइंडर नहीं आता वो केवल वन से डिवाइड होंगे या फिर खुद से डिवाइड होंगे उसके अलावा कोई दूसरी संख्या उन्हें नहीं काट सकती इज दैट क्लियर आगे बढ़ते हैं टू चेक एनी नंबर वेदर इज प्राइम और नॉट सपोज हम एक नंबर ले रहे हैं यहाँ पर वन 147 को अगर हमें चेक करना हो कि ये प्राइम है कि नहीं है तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर एक लेना पड़ेगा सपोज n ठीक है सपोज हम यहाँ पर मान लेते हैं n एक स्मॉलेस्ट नंबर है ठीक है और इस्मेस्ट नंबर है जिसके लिए n स्क्वायर जो है ग्रेटर देन और इक्वल देन आ, प्राइम नंबर ठीक है सपोज एक प्राइम नंबर है वन ठीक है यहाँ पर एन हम एक स्मॉलेस्ट नंबर ले रहे हैं जिसमें ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए ठीक है अब यहाँ पर क्या करेंगे हम वैल्यू रख के देखेंगे कि 147 के आसपास कौन सी वैल्यू होगी जो प्राइम होगी है ना हम यहाँ पर देखते हैं ट्वेल्व रख कर देखते हैं तो ट्वेल्व अगर रखते हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन फॉलो नहीं होती क्योंकि अगर ट्वेल्व रखते हैं तो ट्वेल्व का स्क्वायर कितना हो जाता है वन फोर्टी फोर इज़ नॉट ग्रेटर देन 147 तो यहाँ पर ये यह एप्लीकेबल नहीं होता तो इसके लिए एप्लीकेबल होने के लिए ये ज़रूरी है कि एन स्क्वायर की वैल्यू जो है ठीक है जो स्मॉलेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है वो बड़ा हो आपके से प्राइम नंबर से या फिर इक्वल हो तो इस कारण हम यहां पर एन को थर्टीन पुट करके देखते हैं तो एन को अगर थर्टीन पुट करेंगे तो यहां पर कंडीशन क्या आती है 169, 169, 147 से बड़ा है definitely. तो डेफिनेटली तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 13 का जो स्क्वायर है एन स्क्वायर 169 सिक्सटी नाइन इज परफेक्ट स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर ही प्राइम नंबर से बड़ा होगा ठीक है सो द परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन 147 फोर्टी सेवन इज वन सिक्सटी नाइन इज थर्टीन तो जो थर्टीन से कम जो नीचे हैं प्राइम नंबर्स वो कौन कौन से आएंगे दो तीन पाँच सात ग्यारह ठीक है और ये बात बिल्कुल ध्यान देने वाली है कि इफ एनी नंबर गिवन इज नॉट डिविजिबल बाय टू थ्री फाइव सेवन दो तीन पाँच सात से अगर वो नहीं कट रहा है तभी वो प्राइम है अदरवाइज वो प्राइम नंबर नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू ऑपटेन प्राइम नंबर लेस देन वन ट्वेंटी वन वी आर टू रिजेक्ट द मल्टीपल ऑफ टू थ्री फाइव सेवन अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हमें प्राइम नंबर 121 से कम हो ठीक है अगर हमें प्राइम नंबर निकालना है 121 से कम तो हमें मल्टीपल दो तीन पाँच सात से वो चीज़ नहीं कटना चाहिए एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन क्या होना चाहिए प्राइम नंबर के ग्रेटर प्राइम नंबर से बड़ा या फिर इक्वल होना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर 121 बोल रहा है तो 121 लेस देन यही बोल रहा है ना 121 से छोटा प्राइम नंबर 121 से छोटा दिया हुआ है मतलब ये किसका स्क्वायर हो गया 11 का स्क्वायर हो गया ठीक है तो यहाँ पर जो नंबर होगा वो 11 से छोटा होगा तो 11 से छोटा क्या होगा टू थ्री फाइव सेवन यही तो होगा ग्यारह से छोटा तो इसको अगर हम हटा देंगे तो ये डेफिनेटली नहीं कटेगा ठीक है तो हमें प्राइम नंबर यहाँ पर मिल जाएगा ग्यारह ठीक है तो हमें ये रिजेक्ट करना होगा अगर हमें प्राइम नंबर चाहिए तो हमें टू थ्री फाइव सेवन से वो संख्या नहीं कटनी चाहिए तभी वो प्राइम नंबर है तो ये स्टेटमेंट सही है सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर लेस देन 121 ट्वेंटी वन इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर लेस देन इलेवन बिल्कुल सही बात है जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो एक ग्यारह से नीचे वाले वो सारे जो है प्राइम नंबर से कटेंगे प्राइम नंबर ही होंगे तभी वो जो है कटेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइम नंबर अब प्राइम नंबर को कैसे पहचाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको पहचानने के लिए दो स्टेप्स हैं इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है ठीक है जितने भी प्राइम नंबर्स हैं जितने भी प्राइम नंबर्स हैं फाइव से बड़े होंगे या इक्वल होंगे वो किस फॉर्म में होंगे सिक्स एम प्लस माइनस वन के फॉर्म में होंगे किस फॉर्म में होंगे ये सिक्स एम प्लस माइनस वन के फॉर्म में होंगे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो इसी फॉर्म में होंगे सिक्स एम प्लस माइनस वन तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो स्टेप निकालने होते हैं ठीक है सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि सिक्स एम प्लस वन और सिक्स एम माइनस वन इसके कोई मल्टीपल है कि नहीं है ठीक है मतलब कोई नंबर अगर हम निकाल रहे हैं कि वो प्राइम है कि नहीं है जानने के लिए तो उस नंबर को हमें आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा कि वो नंबर जो है इसको इसके मल्टीपल है कि नहीं है सिक्स एम प्लस वन और सिक्स एम माइनस वन तो इसको कैसे देखेंगे यहाँ पर हम देखते हैं सपोज़ फाइव के लिए लेते हैं फाइव को हम कैसे लिख सकते हैं फाइव को हम लिख सकते हैं सिक्स माइनस वन ये सेटिस्फाई हो रहा है हो रहा है ना सेवन को हम लिख सकते हैं सेवन के प्राइम नंबर है क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेवन को सिक्स प्लस वन के फॉर्म है ये है ना फिर हम इलेवन को हम कैसे लिख सकते हैं सिक्स इंटू टू माइनस वन थर्टीन को हम कैसे लिख सकते हैं सिक्स इंटू टू प्लस वन तो ये जितने भी हैं सिक्स एम प्लस वन और सिक्स एम माइनस वन के फॉर्म में ही हैं तभी वो प्राइम नंबर है अदरवाइज़ वो नहीं है ठीक है हमें ये चेक करना है कि नंबर प्राइम है कि नहीं है तो हमें ये चेक करना होगा कि वो किसी नंबर के स्क्वायर रूट से डिविजिबल ना हो ठीक है अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट होल नंबर नहीं है ठीक है और नियरेस्ट होल नंबर है तो हमें वो नंबर को चेक करना होगा कि वो प्राइम है कि नहीं है अगर नंबर सेटिस्फाई करता है कंडीशन को ठीक है अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है नहीं कट रहा है तो डेफिनेटली वो प्राइम है अगर कट रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है इसमें नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन थ्री इज डिवाइडेड बाय सिक्स देन रिमाइंडर विल बी बहुत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ऐसा प्राइम नंबर जो तीन से बड़ा हो और उसे हम छः से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा कोई ऐसा प्राइम नंबर जो तो तीन से बड़ा हो और छः से उसे भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा क्या शेषफल बचेगा ठीक है तो हम यहाँ पर डिस्कस किए थे कि हम कोई भी नंबर ले रहे हैं जो तीन और दो से कट रहे हैं सपोज एक नंबर लेते हैं सबसे इजी नंबर सिक्स एम हम जानते हैं कि प्राइम नंबर के लिए सिक्स एम प्लस वन होता है सपोज हम मान लेते हैं सिक्स एम एक ऐसा नंबर है जो तीन से भी कट जा रहा है और दो से भी कट जा रहा है इसमें हम एम की वैल्यू कुछ भी पुट करें तो ये सबसे कटेगा जो तीन से दो से कट गया वो सबसे कटेगा लेकिन यहीं पर अगर हम सिक्स एम प्लस वन ले लें तो ये किसी से नहीं कटेगा नहीं कटेगा ठीक है अगर हम सिक्स एम प्लस थ्री ले लें तो ये कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है ये मल्टीपल हो गया तीन का ठीक है तो ये कट जाएगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा ठीक है तो तीसरा क्या है हमारा सिक्स एम प्लस फाइव ले लें ये कंडीशन हो सकता है या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ठीक है अब ये कैसे चेक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सिक्स एम प्लस वन ठीक है अगर हम इसे सिक्स के भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा रिमाइंडर बचेगा वन यहाँ पर रिमेनिंग कितना बचेगा वन बचेगा तो लेकिन वहीं पर अगर हम सिक्स एम प्लस फाइव ले रहे हैं है ना सिक्स एम प्लस फाइव ले रहे हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते, है? तो इस सकते हैं सिक्स एम प्लस सिक्स माइनस वन तो ये सिक्स का मल्टीपल हो गया यानी ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम तो कोई भी प्राइम नंबर का कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए उसे इस कंडीशन को फुलफिल करना होगा कि वो सिक्स एम प्लस वन हो या सिक्स एम माइनस वन हो तभी वो प्राइम नंबर कहलाएगा ठीक है तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि सिक्स एम प्लस वन से कटेगा या फिर सिक्स एम माइनस वन से कटेगा ठीक है मतलब ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी वो प्राइम नंबर होगा तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर हम इसको सिक्स से भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा वन बचेगा यहाँ पर हम सिक्स से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है माइनस वन माइनस वन कभी भी माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं होता तो इस कारण हम इसको सिक्स से कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर फाइव ठीक है तो यानी वन और फाइव जो है इसका सही उत्तर होगा जो है इसका रिमाइंडर होगा ओके एवरी प्राइम नंबर ऑफ द फॉर्म थ्री के प्लस वन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिक्स एम प्लस वन वे आर के एंड एम आर इंटीजर्स वेन के इज ऑड के इज इवन के कैन बी बोथ ऑड एंड इवन नो सच फॉर्म इज पॉसिबल अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम कोई भी प्राइम नंबर को थ्री के के फॉर्म में दर्शा सकते दर्शा सकते हैं अगर वो सिक्स एम प्लस वन के फॉर्म में सेटिस्फाई हो तो कैसे होगा तो यहाँ हम ये चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर बात बिल्कुल ध्यान देने वाली है कि सिक्स एम प्लस वन एक प्राइम नंबर होगा इस फॉर्म में होता है प्राइम नंबर ठीक है सिक्स एम प्लस वन के फॉर्म में होता है होता है ठीक है अब यह कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी वो प्राइम नंबर होता है न अदरवाइज नहीं होता है लेकिन हम यहाँ पर अगर देखें अगर हमें इसको सेटिस्फाई करवाना है थ्री के प्लस वन को कि ये प्राइम है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर हमें k की वैल्यू क्या रखनी होगी टू एम रखनी होगी टू एम रखनी होगी ना जब ये टू एम होगा तभी वो क्या होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई होगा यानी सिक्स एम प्लस वन बनेगा मतलब क्या है ये टू एम का मतलब क्या है ये ई है ये सबसे कट जा रहा है दैट्स वाई वी कैन से दैट के इज शुड भी इवन इवन होगा तभी वो प्राइम नंबर बनेगा अदरवाइज नहीं बनेगा समझ रहे हो के की वैल्यू इवन आएगी तभी वो प्राइम नंबर बनेगा अदरवाइज नहीं बनेगा यहाँ पर देखते हैं परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन परफेक्ट नंबर उसे कहा जाता है एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स को सम करने पर हमें ऑरिजिनल नंबर प्राप्त होता है जो नंबर का हम परफेक्ट नंबर निकाल रहे हैं ठीक है अगर हम उसका फैक्टर निकाल रहे हैं उसको सम करने पर हमें ट्वाइस द नंबर जो नंबर ओरिजिनल नंबर है उससे डबल मिलता है अगर हम उस नंबर का को इंक्लूड करते हैं तब और दूसरा क्या है इफ़ द सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू द नंबर देन द नंबर इज़ कॉल्ड परफेक्ट नंबर मतलब एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं यहाँ पर देखते हैं उदाहरण उदाहरण के लिए हम लेते हैं सिक्स सिक्स के फैक्टर क्या हो सकते हैं वन टू और थ्री और स्वयं सिक्स ठीक है यहाँ पर हम देखते हैं सिक्स के इतने चार फैक्टर्स हैं अब अगर हम ये बोल रहे हैं पहले पहले वाला जो इसके हिसाब से इंक्लूडिंग दैट नंबर अगर इन सभी को जोड़ दिया जाए इन सभी को जोड़ दिया जाए वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सिक्स तो हमें प्राप तो 12. 12 कितन, कितना प्राप्त होता है ट्वेल्व ट्वेल्व कितना कितना ज़्यादा है दो से मतलब डबल है इसका तो ये ट्वाइस द नंबर ट्वाइस द नंबर बोल रहा है मतलब ये ओरिजिनल नंबर से ये डबल है बारह जो है और तो बारह जो है ओरिजिनल नंबर से डबल है तो इसी कारण से पर पहला जो फैक्टर है ये परफेक्ट नंबर कहलाएगा ठीक है दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगा देखेंगे दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि अगर इन सारे फैक्टर को वन प्लस टू प्लस थ्री ठीक है इसको जोड़ दिया जाए एक्सक्लूडिंग सिक्स इसको हम नहीं ले रहे हैं ना तो इसको जोड़ दिया जाए कितना आ रहा है हमें सिक्स मिल रहा है तो ये ऑरिजिनल नंबर के बराबर है तो ये कह सकते हैं सकते हैं सिक्स इज़ अ परफेक्ट नंबर ठीक है एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं सपोज़ हमें चेक करना है नाइन नाइन एक परफेक्ट नंबर है कि नहीं है तो नाइन का फैक्टर लिख लेंगे वन थ्री और स्वयं नाइन यही होगा ना अब यहाँ पर देखेंगे नाइन जो है परफेक्ट नंबर है कि नहीं है चेक करना है हमें तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इन तीनों को प्लस कर देंगे तो वन प्लस थ्री फोर फोर और नाइन थर्टीन कोई वा, वा, मैचिंग हो रहा है यहाँ पर नहीं हो रहा है ठीक है या फिर हम इसको प्लस करके देखेंगे वन प्लस थ्री फोर आ रहा है फोर और नाइन में डिफरेंस है तो ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा नाइन ठीक है इक्वल होना चाहिए और या फिर ट्वाइस होना चाहिए ठीक है अगर नंबर इंक्लूड कर रहे हैं तो हमें ट्वाइस मिलना चाहिए एक्सक्लूड कर रहे हैं तो हमें नंबर इक्वल मिलना चाहिए एक और नंबर देखते हैं यहां पर एट एट के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे वन टू फोर और स्वयं एट अब यहाँ पर देखेंगे वन प्लस टू प्लस फोर इसको अगर हम प्लस कर दिए तो कितना प्राप्त होता है हमें सेवन तो सेवन क्या इक्वल है एट के नहीं है तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है या फिर आप इसको जोड़ दीजिए सेवन प्लस एट फिफ्टीन तो क्या इसका कोई डिफरेंस आ रहा है इसे ट्वाइस आ रहा है नहीं आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा ये भी परफेक्ट नंबर नहीं होगा ठीक है ट्वेल्व लेके देखते हैं ट्वेल्व का आप फैक्टर ले लीजिए वन टू फोर सिक्स और ट्वेल्व ठीक है एक दो तीन चार पाँच है पांच फैक्टर हैं इसके ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे इसको प्लस करके देखते हैं वन प्लस टू प्लस फोर प्लस सिक्स करके देख लेते हैं कितना आ रहा है छः चार दस दो बारह तेरह थर्टीन आ रहा है अब ये बताओ मेरे को क्या इसके कुछ यहाँ पर पता चल रहा है नहीं तो ये भी एक परफेक्ट नंबर नहीं है और चेक कर लेते हैं टेन का टेन के फैक्टर्स क्या क्या हैं वन टू फाइव वन टू फाइव ठीक है फाइव प्लस टू सेवन प्लस एट इट्स नॉट अ परफेक्ट नंबर परफेक्ट नंबर के लिए इक्वल आना चाहिए जो ओरिजिनल नंबर है और जो हमने निकाला है वो नंबर इक्वल आना चाहिए तभी वो नंबर क्या कहलाएगा परफेक्ट नंबर कहलाएगा एक एग्जाम्पल करते हैं तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर देखते हैं ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परफेक्ट नंबर यहाँ पर कौन सा परफेक्ट नंबर है आपको निकालना है तो यहाँ पर चेक कर लेंगे नौ पंद्रह बीस अट्ठाईस नौ को देख लेते हैं नौ के परफेक्ट नंबर है नौ के फैक्टर क्या हो जाएंगे वन थ्री नाइन ठीक है वन थ्री और नाइन तो ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा वन प्लस थ्री फोर हो गया कोई दिक्कत नहीं तो ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता ठीक है पंद्रह का देख लेते हैं वन थ्री फाइव फिफ्टीन पाँच तीन आठ नौ कोई दिक्कत नहीं इसमें भी नहीं आ रहा है तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है बीस का चेक कर लेते हैं बीस का क्या हो जाएगा फैक्टर वन टू फोर फाइव टेन और सवन ट्वेंटी ठीक है यहाँ पर देखते हैं टेन प्लस फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस फोर नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू नहीं आ रहा है ये भी तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है ट्वेंटी एट का चेक कर लेते हैं ट्वेंटी एट का क्या होगा वन टू फोर सेवन ठीक है वन टू फोर सेवन फोटीन ठीक है बस इतना ही हो रहा है तो यहाँ पर हम देखते हैं चेक करते हैं कि ट्वेंटी एट इक्वल आता है कि नहीं आता तो इसको जोड़ दीजिए फोर्टीन प्लस सेवन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन प्लस फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस टू ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन प्लस वन ट्वेंटी एट आ गया अट्ठाईस इक्वल आ गया इसके और इसको प्लस भी कर देंगे तो ये डबल मिल जाएगा तो हमें ये कह सकते हैं कि ट्वेंटी एट इज़ द परफेक्ट नंबर यहाँ पर कोई भी बाकी परफेक्ट नंबर नहीं है ओनली ट्वेंटी एट इज़ परफेक्ट नंबर नंबर परफेक्ट स्क्वायर जो है ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिसका जिसको हम जिसका हम अंडर रूट निकाल सकते हैं वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नेचुरल नंबर का ही एक सेट होता है इसमें क्या क्या आ जाता है जैसे वन एक परफेक्ट स्क्वायर है फोर है नाइन है सिक्सटीन है ट्वेंटी फाइव है थर्टी सिक्स है फोटी नाइन है सिक्सटी फोर है ठीक और क्या है एटी वन है और हंड्रेड है ठीक है और क्या है एक सौ इक्कीस है वन फोर है वन सिक्सटी नाइन है ठीक है फिर क्या है वन सिक्स है टू ट्वेंटी फाइव है टू फिफ्टी सिक्स है ठीक है और क्या है टू एटी नाइन है ठीक है टू एटी नाइन हो गया फिर कितना है तीन सौ चौबीस है ठीक है फिर थ्री सिक्सटी वन है राइट ये एटीन का स्क्वायर है ये नाइनटीन का ठीक है फिर फोर हंड्रेड है ठीक है फिर आगे करेंगे तो फोर फोर वन है फोर एट फोर है ये सारे क्या है परफेक्ट स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ है ना और फिर फाइव ट्वेंटी नाइन ठीक फिर फाइव सेवन सिक्स 625, ट्वेंटी फाइव यहाँ तक ये ट्वेंटी फोर का स्क्वायर है ना इसके बाद हम आगे जो है स्क्वायर लिख रहे हैं देखेंगे ठीक है सेवन ट्वेंटी नाइन सेवन एट फोर है ठीक है और फिर एट फोटी वन है तो ये सब देखते हैं कि ये सारे जो है परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं जब इन्हीं परफेक्ट स्क्वायर को जब हम नाइन से डिवाइड कर दें जब इन्हीं परफेक्ट स्क्वायर को हम नाइन से डिवाइड कर दें तो हमें क्या रिमाइंडर प्राप्त होता है देखते हैं इनको अगर नाइन से डिवाइड कर दिया जाए तो इसको वन को अगर नाइन से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा वन ही प्राप्त होगा इसको हमें नाइन से डिवाइड कर दे तो हमें कितना प्राप्त होगा फोर प्राप्त होगा इसको कर दें तो ये तो पूरा कट जाएगा ज़ीरो इसको कर दे तो सेवन ठीक है इसको कर दे तो सेवन आएगा मतलब हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर में है उसमें ये सारे संख्या रिपीट हो रहे हैं वन फोर ज़ीरो सेवन सेवन वन फोर ज़ीरो सेवन सेवन जितनी भी संख्या आप कर लीजिए इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आएगी नाइन से डिवाइड करने पर तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को नौ से भाग दूं तो उसका रिमाइंडर उसका शेष फल एक चार शून्य सात के अलावा दूसरा नहीं आ सकता तो इसकी तीन प्रॉपर्टी से जिससे हमें पहचानने में मदद मिलेगी कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है सबसे पहला प्रॉपर्टी है इफ़ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज़ डिवाइडेड बाय नाइन देन इट लीव्स अ रिमाइंडर ज़ीरो वन फोर सेवन आप देखते हैं यहाँ पर हम कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम ले लें वहाँ पर अगर हम उसको डिवाइड करते नाइन से चाहे वन फोर सिक्सटीन ठीक है ट्वेंटी फाइव जितने भी परफेक्ट इसको नंबर अगर हम इसको नाइन से डिवाइड करते हैं तो सब में जो रिमाइंडर है शेषफल फल जो है वो कितना बचेगा ज़ीरो वन फोर सेवन इसके अलावा कोई दूसरा और शेषफल नहीं बचेगा कोई दूसरा रिमाइंडर नहीं होगा तो ये पहला प्रॉपर्टी है इसे हमें ध्यान में रखना है परफेक्ट स्क्वायर को हमें जब पहचानना हो तो सबसे पहले जानेंगे कि वहां पर रिमाइंडर जीरो वन फोर सेवन के अलावा अगर दूसरा आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ठीक है दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है दूसरी प्रॉपर्टी कहती है द लास्ट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर बी थ्री सेवन एट यह हम देखते हैं कि आखिरी डिजिट आप देखोगे जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं या जैसे आप देखोगे वन फोर सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव है ना फोर्टी नाइन सिक्सटी फोर इसमें आप देखोगे आखिरी डिजिट कहीं पर भी आप देखोगे थ्री सेवन एट नहीं है तो थ्री सेवन एट किसी भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के आखिरी डिजिट पे नहीं आएगा ठीक है तो क्या आएगा आखिरी में या तो आएगा ज़ीरो या वन या फोर या फाइव या सिक्स या नाइन अब जितने भी स्क्वायर इस परफेक्ट स्क्वायर निकाल लो उसके आखिरी डिजिट जो आएंगे वो क्या आएंगे जीरो वन फोर फाइव सिक्स नाइन के में ही आएंगे और दूसरा कोई नहीं आएगा तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है जो हमें ध्यान में रखना है तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है पहला दूसरा तो ठीक हो गया तीसरा प्रॉपर्टी है लास्ट टू डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी सेम एज द लास्ट टू डिजिट ऑफ द स्क्वायर नंबर फ्रॉम वन टू फोर वन टू ट्वेंटी फोर ठीक है क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आखिरी दो डिजिट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ठीक है किसके इक्वल होगा कि 124 में जितने भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हैं उसके आखिरी दो डिजिट उसके आखिरी दो डिजिट किसके इक्वल होगा जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके इक्वल होगा हो समझ में आया 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441 ठीक है ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर ट्वेंटी टू का स्क्वायर होता है फोर एट फोर ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर होता है फाइव ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी फोर का स्क्वायर होता है फाइव सेवेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स का स्क्वायर कितना होता है सिक्स सेवन सिक्स यहाँ पर जो ट्वेंटी सिक्स के आखिरी के दो डिजिट हैं ट्वेंटी सिक्स स्क्वायर के सिक्स सेवन सिक्स सेवन सिक्स और कहाँ पर रिपीट हो रहा है देखिए ट्वेंटी फोर के ये देखिए लाएगा तो ये तीन प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान में रखनी है ठीक है आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन है एन इज़ अ थ्री डिजिट नंबर एन जो है थ्री डिजिट नंबर है एन स्क्वायर नाइन्टी फोर है तो इसमें कितने वैल्यूज़ पॉसिबल हैं एन की अब यहाँ पर आप देखिए एन स्क्वायर नाइन्टी फोर बोल रहे हैं अब ये बताइए मुझे कि 94 फोर क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके जी वैल्यूज़ पॉसिबल ही नहीं है इसकी वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है नाइन्टी फोर किसी के टेबल में किसी के परफेक्ट स्क्वायर में आता है कि नहीं आता तो ऑब्वियसली बात है इसकी जीरो वैल्यू पॉसिबल है तो ये सही आंसर होगा इसका जीरो ये क्वेश्चन देखते हैं हम द टेंथ प्लेस डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज सेवन देन हाउ मैनी वैल्यूज़ पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर अट डिजिट बोलने की कोशिश ये कर रहा है यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर ये कि अगर टेंथ प्लेस पे अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है उसके टेंथ प्लेस पे सेवन दिया हुआ है तो ये उसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये में पता करना है तो हम ये जानते हैं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके यूनिट डिजिट में क्या क्या आ सकता है ज़ीरो आ सकता है वन आ सकता है फोर आ सकता है ठीक है फाइव आ सकता है और क्या आ सकता है सिक्स आ सकता है और नाइन आ सकता है यही आएगा ना अब हम देखते हैं सेवेंटी सेवेंटी क्या परफेक्ट स्क्वायर किसी में आ रहा है ये नहीं आ रहा है तो ये नहीं हो सकता सेवेंटी वन आ रहा है नहीं आ रहा है ये भी नहीं हो सकता सेवेंटी फोर आता है किसी में नहीं आता ये भी नहीं हो सकता सेवेंटी फाइव आता है किसी में नहीं आता ये भी नहीं हो सकता सेवेंटी सिक्स आता है हाँ ये आता है फाइव सेवन सिक्स किसका होता है स्क्वायर ये ट्वेंटी फोर का स्क्वायर ठीक है ट्वेंटी सिक्स का स्क्वायर सिक्स सेवन सिक्स सेवेंटी नाइन हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. तो केवल पॉसिबल यूनिट वैल्यू क्या होगी केवल एक पॉसिबल वैल्यू सेवेंटी सिक्स उसके अलावा और कोई दूसरी वैल्यू नहीं है तो आंसर क्या होगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू वन केवल एक ही होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं ए बी फाइव एन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एन इज़ पॉसिबल यहाँ पर कितने वैल्यू पॉसिबल हैं एन के सेम वैसे ही है ए बी फाइव एन दिया हुआ है अब यहाँ पर आप देखेंगे फाइव टेंथ प्लेस पे है यहाँ पर फाइव के बाद n की वैल्यू क्या होगी तब हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे ज़ीरो रख के देखें तो फिफ्टी आ रहा है क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं फिफ्टी वन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है फिफ्टी फोर आ रहा है क्या किसी में नहीं आ रहा है ये भी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर ठीक है फिफ्टी फ़ाइव आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ये भी नहीं है ठीक है फिफ्टी सिक्स आ रहा है क्या फिफ्टी सिक्स आ रहा है तो फिफ्टी सिक्स ये पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा ठीक है दूसरा और क्या आ सकता है फिफ्टी नाइन आ रहा है कि किसी में नहीं आ रहा है तो यह भी नहीं होगा तो यहां पर फिफ्टी सिक्स ही एक पॉसिबल वैल्यू आएगी ठीक है इसलिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं आंसर क्या आएगा यहां पर पॉसिबल वैल्यू ओनली वन एक ही पॉसिबल वैल्यू है वो है सिक्स ठीक है अब यहां पर देखेंगे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ रेशनल नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर अगला क्वेश्चन देखते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ रेशनल नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर पूछने की कोशिश ये कर रहा है कि इसमें से जो रेशनल नंबर दिया गया है इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है तो इसे पहचानने के लिए हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके ही करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्वेंटी एट किसी के में नहीं आता तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो ही गया अब तीन में देखेंगे तीन में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है ठीक है फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन ट्वेंटी फोर लास्ट दिया हुआ है अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए हम देखेंगे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि उसका जो रिमाइंडर क्या आना चाहिए जीरो वन फोर सेवन अगर ये आ रहा है तभी वो परफेक्ट स्क्वायर है अदरवाइज अगर जीरो वन फोर सेवन आ रहा है तभी वो परफेक्ट स्क्वायर है अदरवाइज वो नहीं है तो हम यहाँ पर देखते हैं इसको प्लस करेंगे सिक्स प्लस टू प्लस फाइव प्लस फोर कितना हो रहा है सिक्स प्लस टू एट एट प्लस फाइव फोरटीन फोर्टीन प्लस प्लस वन सिक्स प्लस टू फोर फाइव प्लस फोर नाइन नाइन प्लस टू इलेवन एवन प्लस सिक्स सेवेंटीन ठीक है तो सत्रह हो रहा है अब बताइए मुझे सत्रह जो है अगर सत्रह को हम नौ से भाग दें तो कितना भी रिमाइंडर बच रहा है कितना बच रहा है आठ बच रहा है तो आठ है क्या किसी के में नहीं है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ठीक है दूसरा हम देखते हैं वन टू फाइव जीरो वन टू फाइव जीरो में हम यहाँ प्लस करके देखेंगे वन प्लस टू प्लस फाइव प्लस फोर फाइव प्लस फोर नाइन नाइन प्लस टू इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व को नाइन से भाग देंगे तो नाइन वन जो नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थ्री थ्री आ रहेगा यहाँ पर कहीं पर नहीं है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वन थ्री फाइव फोर पाँच तीन आठ आठ चार बारह तेरह तो यहाँ वाला ये यह ऑप्शन वाला सही होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस फोर करेंगे तो कितना आएगा फाइव प्लस फोर नाइन नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व और ये थर्टीन थर्टीन को नाइन से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा फोर बचेगा तो फोर आ रहा है रिमाइंडर मतलब मान के चलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है अब हमने ये पढ़ा है ना जीरो वन फोर सेवन यही रिमाइंडर बचेगा जितना भी आप परफेक्ट स्क्वायर निकालो रिमाइंडर सभी का यही बचेगा नाइन से डिवाइड करने पर तो हमारा ये ये तीन ऑप्शन गलत ये सही है ठीक तो आज के सेक्शन में इतना ही बच्चों उम्मीद है ये नंबर सिस्टम का ये सेक्शन काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा आगे हम नंबर सिस्टम में और भी आगे बात करेंगे तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए राइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल और पढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट हैव अ नाइस डे जय हिंद